हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट में या फिर करंट अकाउंट में कितना बैलेंस रखें ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से कोई भी नोटिस आपके पास ना आए। और फ्रेंड्स, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने अकाउंट में सिंगल टाइम में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में अंतर क्या होता है। सब कुछ हम इस वीडियो में पॉइंट टू पॉइंट कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो पर नए आए हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर अकाउंट्स बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम अंतर समझ लेते हैं। बेसिकली देखिए, सेविंग्स अकाउंट वो लोग खुलवाते हैं जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं, या फिर स्टूडेंट होते हैं, या फिर छोटे मोटे किसान होते हैं, मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। और करंट अकाउंट बेसिकली वो लोग खुलवाते हैं जिनका खुद का बिजनेस होता है, खुद का कारोबार होता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम अंतर की बात करें तो सेविंग्स अकाउंट में आपको जो पैसा आप रखते हैं सेविंग्स अकाउंट में, उसमें आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, जबकि करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया जाता है, कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है आपके पैसे के ऊपर। अब फ्रेंड्स, हम समझ लेते हैं कि आप सेविंग्स अकाउंट में कितना डिपॉजिट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप कितना भी रखें, कोई लिमिट नहीं दिया गया है। लेकिन अगर सिंगल टाइम आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सिंगल टाइम कैश डिपॉजिट करते हैं, तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपये डिपॉजिट करना होता है। 2 लाख रुपये से कम अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप 2 लाख रुपये से ऊपर का ट्रांजेक्शन्स करते हैं, सिंगल टाइम कैश डिपॉजिट करते हैं, तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से नोटिस आ सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही नोटिस आ जाए, नोटिस 10 दिन के बाद भी आ सकता है, 15 दिन के बाद में भी आ सकता है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आपके पास एक अकाउंट हो, या दो अकाउंट हो, या फिर 4 अकाउंट हो, या फिर 10 अकाउंट हो, पूरे अकाउंट मिला करके अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए तक का ट्रांजेक्शन कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से नोटिस भेजा जाता है, मतलब इंक्वायरी भेजी जाती है कि आपका आपके पास इतना पैसा कहां से आया, कहां से लेकर आए हैं। अगर उसका आप प्रूफ नहीं दे पाते हैं तो उस कंडीशन में आपको 60% के दर से आपको पैसा देना होता है, फाइन किया जाता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया फाइन करता है, 60% की दर से आपसे पैसा वसूलता है, और साथ ही साथ आपको जेल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अमाउंट आप अपने अकाउंट में रखें तो उसका बेसिकली एक प्रूफ रखें। जब आपके पास प्रूफ रहेगा तो कोई भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया किसी भी अमाउंट का आपसे कोई भी वो लेगा, कोई भी पूछताछ करेगा, तो उसमें आप बता सकते हैं, सर मेरा ये खुद का पैसा है, मेरा ये पैसा है। और यहाँ पर अगर हम बैलेंस की बात करें तो यहाँ पर आप अपने अकाउंट में कितना भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन बेसिकली आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के कैटेगरी में नहीं आने चाहिए, और आप जो भी आपका पैसा है, जो भी आप अकाउंट में रखते हो, वो आपके ITR रिटर्न फाइल से मैच होने चाहिए। लेकिन अगर आपका ITR रिटर्न फाइल से मैच नहीं होता है, तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया आपसे पूछताछ करता है। और अगर पूछताछ में अगर आप सही सही बता देते हैं कि मेरा ये सोर्स है, मैं इस तरीके से पैसा कमाता हूँ, या फिर बाहर पहले का पैसा है, मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं अपने खाते में डाला हूँ, इस तरह से आप बेसिकली एक सोर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को अगर आप दे देते हैं, तो उस कंडीशन में आपके ऊपर ना ही कोई चार्ज पड़ता है और ना ही आपके ऊपर कोई केस लगता है, आप यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर हम करंट अकाउंट की बात करें तो करंट अकाउंट में अगर आप 40 लाख रुपए से ऊपर का एक फाइनेंशियल ईयर में ट्रांजेक्शन्स कर देते हैं, तो उस कंडीशन में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से आपको नोटिस भेजी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान रहे, ये नोटिस कभी भी आ सकता है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि तुरंत आ जाएगा, 6 साल के बाद में भी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के पास में पावर होता है, 7 साल के अंदर वो कभी भी आपको नोटिस भेज सकता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूँ, आप जो भी अमाउंट रखें उसका फुल प्रूफ रखें, ताकि कभी भी इनकम टैक्स ऑफ इंडिया आपसे कोई पूछताछ करे तो
आप उसका उत्तर दे सके, मतलब रीजन बता सके कि मेरा इस तरह से पैसा है, यहाँ यहाँ से मैंने कमाया है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स काफी सारे लोगों का ये भी डाउट होगा कि काफी सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो क्या करते हैं, दूसरे का पैसा अपने अकाउंट में रख करके और बाद में उसका ट्रांजेक्शन करते रहते हैं, जैसे कि कोई भी पर्सन होते हैं और वो पैसा दे देते हैं कि भैया आप पैसा रख लो अपने अकाउंट में, बाद में मुझे दे देना है। तो उस कंडीशन में वो बंदा क्या करता है कि पैसा ले लेता है और अपने खाते में जमा कर देता है। लेकिन फ्रेंड्स ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप जब भी देखिए इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया ये नहीं आपसे पूछेगा कि आपके फ्रेंड का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो नहीं पूछेगा आपसे, खाली सोर्स पूछेगा। तो इसमें वो भी पैसा आपके इनकम टैक्स के कैटेगरी में आ जाता है, जो भी आपका अमाउंट है, जो भी आप अपने अकाउंट में रखे हुए होते हैं, वो भी पैसा आपके इनकम टैक्स के कैटेगरी में आ जाता है। तो ऐसा काम आप बिल्कुल भी मत करें, किसी का भी अमाउंट अपने अकाउंट में ना रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन्स ना करें दूसरे का पैसा लेकर के। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि 10 लाख रुपए से ऊपर होगा, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ऊपर का ट्रांजेक्शन हो जाता है, वो चाहे आपका पूरा अकाउंट मतलब पूरा 4, 5, 6, 7 अकाउंट मिला करके ट्रांजेक्शन हो रहा हो, फिर भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से नोटिस आ सकता है, तो ये ध्यान में रखना दोस्तों। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आप लोगों को इनकम टैक्स के रिलेटेड कोई भी सवाल आपके पास नहीं बचा होगा, अगर बचा है तो फिर कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं आगे उस तरह का मैं वीडियो बना सकूं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने चैनल इंडियन टेक को सब्सक्राइब कर दीजिए। मन में कुछ डाउट हो कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।